अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? दुआ करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो आज हम बनाएंगे आपको मटन के कबाब बनाना। तो कई लोगों की हमें फरमाइश थी कि आप हमें कबाब बनाना बताएं बीफ के, तो आज हम बीफ के कबाब बना रहे हैं। तो आप मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं या इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 किलो गोश्त ले लिया है मटन जो बीफ का है हमने, और यहाँ कुछ ड्राई मसाले हैं जैसे गरम मसाला, खड़ी धनिया और जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज और कुटी मिर्चें, सूखी ड्राई कुटी मिर्चें, नमक क्रश कर ली है, और यहाँ पर हमारी जो दाल है चने की वो वॉश करी रखी है। देखिए तो 1 किलो पर हमने पाव भर दाल डाली है। हम बराबरी की दाल डालेंगे तो वो मज़े की नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा हम दाल खा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा प्रेशर कुकर है, पहले तो हम इन चीज़ों को गलाएंगे, इसमें तेल नहीं डलेगा, सिर्फ इनको गलाएंगे और आगे हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो चलिए, अभी गोश्त था 1 किलो, वो हमने इस प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और उसके बाद हम इसमें जितने भी ड्राई मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो हमने सब डाल दिए हैं इसमें। उसके बाद है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है चने की दाल जो हमने इस कबाब में। उसके बाद पानी आप इतना डालें कि इस हिसाब से रखें कि इसकी क्वांटिटी की दाल और गोश्त दोनों गल जाएं। तो अब हम इसमें 1 कप पानी डालने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो गोश्त उबाला था उसको हमने मिक्सर में पीस लिया है, आप चाहें मिक्सर में या सिलबट्टे पे, जिस पे पीसना चाहें। तो अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, तो इसमें मिलाएंगे हम हरी मिर्च, हरा पुदीना और ये प्याज। तो हमने ये सब काट के बारीक रखा है, पीसने के बाद आप इसमें अच्छे से मिक्स कर लें पूरी तरह से इन चीज़ों को, और फिर इसके बाद आप बना के और इनको फ्राई करें। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसमें सब मिक्स कर दिया है। ये देखिए आप, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब बिल्कुल बन के रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो मैंने सोचा मैं आप लोग को फ्राई करना। तो ये देखिए, ये हमने कबाब डाल दिए, अब हमारे बहुत मज़ेदार क्रंची तैयार हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार शामी कबाब बहुत चटपटे, मसालेदार और मज़ेदार। तो लीजिए शामी कबाब पेश हैं आप लोगों के लिए। तो ये हमारी रेसिपीज़ है, तो अब आपको बनाना हो, जब भी आपका मन चाहे कि आप शामी कबाब खाना है तो हमारे तरह और हमारी रेसिपी से बनाइए और खिलाइए और खाइए और मज़े करिए और इन्जॉय करिए। और हमें ज़रूर कमेंट्स करिए, हमारी वीडियो पर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, फिर हाजिर होंगे। तो चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय।